नमस्कार, टेक्निक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दियांशी शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबर। 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। इन तीनों कानूनों में भारतीय संविधान के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह बदला गया है। नए कानून में महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा करने का प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानूनों को संसद में साल 2023 में ध्वनिमत से पारित किया गया है। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत के तहत प्रहरी पोर्टल लॉन्च किया है। प्रहरी पोर्टल का उद्देश्य एक ऐसी निगरानी प्रणाली तैयार करना है जो बच्चों और युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से रोकने में मदद कर सके। प्रहरी पोर्टल की मदद से प्रमुख रूप से छात्रों और अध्यापकों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही स्कूलों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास नशीली पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रहरी पोर्टल के तहत सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को नशे की तस्करी के खिलाफ FIR दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में योग, भारतीय भाषा एवं संस्कृति और 2024 के लोकसभा चुनाव समेत कई विषयों पर चर्चा की। PM मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव बताया और इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को धन्यवाद दिया। योग और भारतीय भाषा एवं संस्कृति को दुनिया भर में गौरव की अनुभूति कराने वाला बताया। इसके अलावा PM मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दिया और लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। सोमवार से देश के कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अब क्रेडिट कार्ड के लिए गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट देना बंद कर दिया है। वहीं ICICI बैंक ने एनरोल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी कार्डों पर कार्ड की रिप्लेसमेंट फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी है, जबकि HDFC बैंक लिमिटेड ने पेटीएम, चेक, फ्रीचार्ज जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड रेंट ट्रांजेक्शन की दरों में बदलाव किए हैं। HDFC के नए नियम 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। LPG सिलेंडर अब पहले से 30 रुपये सस्ता मिलेगा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता कर दिया है। कंपनियों ने सिलेंडर के दाम 30 रुपये घटा दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर 1646 रुपये में मिलेगा। इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जून महीने में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर पर करीब 70 रुपये कम किए थे। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारतीय शेयर बाजार के पूंजीकरण में 13% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो दुनिया के शीर्ष 10 बाजारों में सबसे अधिक है। जिसके बाद पूंजीकरण की लिस्ट में भारतीय शेयर बाजार का स्तर बढ़ा है। वर्तमान में भारतीय शेयर बाजार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना हुआ है। अप्रैल से जून 2024 की पहली तिमाही पूरी होने के बाद भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण $5 ट्रिलियन से अधिक। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में तेज बारिश के आसार है। साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। सोमवार को NTA ने पेपर लीक मामले के बाद दोबारा आयोजित की गई NEET UG परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। NEET UG के री एग्जाम 23 जून को आयोजित कराया गया था। इसमें 1563 उम्मीदवारों में से कुल 813 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। NTA ने री एग्जाम के लिए फाइनल आंसर की 28 जून को ही जारी कर दी। T20 विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। जडेजा ने रविवार को सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय T20 को अलविदा कहा है। भारत ने शनिवार को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 रनों से T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला जीता था।
27 जून को रिलीज हुई बाहुबली फेम प्रभास स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD ने पहले वीकेंड में जबरदस्त कमाई की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 95 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है, दूसरे दिन 57 करोड़ से ज्यादा और वीकेंड पर करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 4 दिनों में 300 करोड़ से अधिक आंकड़ा पार किया है, जबकि फिल्म कुल 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। फिल्म में प्रभास के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए टेक्निया न्यूज और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।